अनोखी वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं कहां असली पुलिस ने खोल दी फर्जी पुलिस की पोल। फिर हुआ ये हाल, कहां देखने को मिला ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्पोर्ट्स वाला रूप, तीरंदाजी की और खेला गिल्ली डंडा, और कहां साधु ने खेला अनोखा क्रिकेट, जमकर लगे चौके छक्के। शुरुआत करते हैं यूपी के जौनपुर से आई हैरान कर देने वाली खबर के साथ। वीडियो में दिख रहे साहब अभी तो मुंह लटकाए हुए हैं, लेकिन इन्हें हल्की में ना ले, ये जनाब इससे पहले फर्जी अधिकारी हुआ करते थे। एकदम फिल्मों की तरह इनके पास एक गाड़ी थी और लोगों को रॉब दिखाने के लिए एक पुलिस की वर्दी। काम था रात में चलने वाले ट्रक को रोककर चेकिंग के नाम पर पैसा वसूलना। आए दिन ट्रक वालों को परेशान किया करते थे, लेकिन खेल तब हो गया जब एक दिन इन्हीं की चेकिंग हो गई और सब कुछ पर्दाफाश हो गया। हुआ यूं कि असली पुलिस चेकिंग पर लगी हुई थी, तभी एक लाल नीली बत्ती लगे स्कॉर्पियो आती दिखाई पड़ी। पुलिस वालों को लगा कि अधिकारी की गाड़ी है, लेकिन फिर भी गाड़ी रोककर असली पुलिस वालों ने सम्मान पूर्वक और बड़े ही मर्यादित ढंग से उसमें बैठे पुलिस वाले से पूछताछ की। धीरे धीरे बातों से असली पुलिस वालों को पता चल गया कि मामले में कुछ तो गड़बड़ है। जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो जनाब बोल पड़े कि मैं दरोगा की वर्दी पहनकर लाल नीली बत्ती लगी गाड़ी से निकलता हूँ और जनता में धौंस जमाता था, साथ ही गाड़ी और वर्दी से रात में रोड पर ट्रकों को रोक कर चेकिंग के बहाने पैसा वसूला करता था। दूसरी अनोखी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग रूप देखने को मिला। पैंट और शर्ट में सिंधिया खिलाड़ी की भूमिका में नजर आए। उन्होंने कंचे खेले तो गिल्ली डंडा भी खेला, कौड़ी खेली तो तीरंदाजी में भी हाथ आजमाए। क्योंकि सिंधिया पहुंचे ही थे खेलने, वो भी सांसद खेल महोत्सव में, जिसका आयोजन किया था जबलपुर से सांसद राकेश सिंह ने। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस आयोजन की काफी तारीफ की। सांसद खेल महोत्सव रानीताल खेल मैदान में आयोजित किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ी पहुंचे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर कई बार राकेश सिंह सिंधिया को खेल के नियमों को समझाते भी नजर आए। तीसरी अनोखी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है। क्रिकेट तो बहुत देखा होगा, लेकिन साधुओं का क्रिकेट पहली बार देखिए। इस टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ साधु और महंतों की ही एंट्री है। यहाँ आयोजित हुए इस क्रिकेट मैच में साधुओं ने खूब चौके छक्के लगाए और शानदार खेल का प्रदर्शन भी किया। इस मैच को देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक पहुंचे। ये मैच संकट मोचन सरकार और चौपरिया सरकार टीम के बीच खेला गया। क्रिकेट को लेकर साधुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। मैच में शामिल साधुओं की माने तो वो नागा साधु और जरूरत पड़ने पर लड़ाई भी कर सकते हैं, तो ये क्रिकेट खेलना कौन सी बड़ी बात है। इस मैच में चौपरिया सरकार की टीम ने संकट मोचक सरकार की टीम को हरा दिया, लेकिन मैच को लेकर साधुओं में जो जुनून देखा गया, जिस तरह से साधुओं ने शॉट्स लगाए और गेंदबाजी की, वो काबिले तारीफ है। न्यूज़ तक ब्यूरो।